Assalam o Alaikum student, how are you? I hope that you all will be fine. Okay, today we are going to start question number 3 of exercise 4B, evaluate each of the following. Today I will explain how to solve any question if negative exponent is given. Negative exponent rule says that negative exponent in the numerator, this is the negative exponent. Exponent means power. If the negative exponent is in the numerator, we get change, we get moving to the denominator. If it is given in the denominator, we change it into the numerator. This is the rule of negative indices, negative power or negative exponent. Okay. Let us start to do our question number 3. What is question number 3 is here? 7 to the power of minus 3. What we do? 7 is in the numerator. It can move to the denominator. 7 to the numerator. Iske denominator mein kuch nahi means that iske denominator mein jo hai wo 1 hai. Ab 7 to the power of माइनस 3 हम क्वेश्चन जब तक सॉल्व नहीं कर सकते जब तक हम उसकी पावर को एक्सपोनेंट को पॉजिटिव में चेंज ना कर दें. तो पॉजिटिव में चेंज करने के लिए नेगेटिव अगर एक्सपोनेंट के नेगेटिव पावर गिवन हो तो उसको पहले पॉजिटिव में चेंज करते हैं. और पॉजिटिव में चेंज करने के लिए क्या रूल है, हम क्या कर रहे होते हैं, डिनोमिनेटर में अगर क्वेश्चन गिवन है उसको डिनोमिनेटर में जो है वो चेंज कर देते हैं. और अगर डिनोमिनेटर में गिवन है तो न्यूमिनेटर में. 7 जो है वो न्यूमिरेटर है, डिनोमिनेटर में इसकी कुछ भी नहीं है, अपॉन में इसकी कुछ नहीं, मतलब इसके 1 है. ठीक है, इसकी पॉजिटिव इसकी एक्सपोनेंट को इसकी पावर को पॉजिटिव में चेंज करने के लिए कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, दिस 7 गेट मूव टू द डिनोमिनेटर. ये डिनोमिनेटर में आ गया और 1 को कैसे डिनोमिनेटर में था वो इसका न्यूमिरेटर बन गया, यानी 1 अपॉन 7 टू द पावर ऑफ 3. अब 3 जो है वो पावर क्या हो गई है, 3 पावर जो है वो पॉजिटिव में चेंज हो गई है. मीन दैट 1 अपॉन 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, 7 7 इज 49 एंड 49 7 इज 343, यानी हमारा आंसर क्या आ गया है, 1 अपॉन 343. लेट्स सी वन मोर एग्जांपल. ओके, हियर क्वेश्चन इज गिवन 3 अपॉन 4 आउटसाइड द ब्रैकेट इज पावर माइनस 2. ठीक है, ये माइनस 2 पावर है इस 3 की भी और इस नंबर 4 की भी. व्हाट वी डू नाउ, द न्यूमिरेटर गेट मूव टू द डिनोमिनेटर एंड द डिनोमिनेटर गेट मूव टू द न्यूमिरेटर. यानी के डिनोमिनेटर में क्या था हमारे 4 टू द पावर माइनस 2, ये न्यूमिरेटर बन गया. और जब ये न्यूमिरेटर बन गया तो इसकी पावर ऑटोमेटिकली प्लस हो गई है. और इसी तरह ये न्यूमिरेटर में था, ये डिनोमिनेटर में चला गया तो इसकी पावर भी प्लस हो गई. जब पावर प्लस हो जाती है हम उसके बाद इसको सॉल्व कर सकते हैं. 4 की पावर स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर इज इक्वल 4 मल्टीप्लाई 4 16, 3 टू द पावर ऑफ स्क्वायर मीन 3 मल्टीप्लाई 3 9. ओके, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4. इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द क्वेश्चन. Given here, x square inside the bracket the power of 7 is square and outside the bracket the power of 7 is minus 2 divided by 7 to the power of minus 4. Okay. What we do, first we will apply the law of indices. And what is the law of indices? If 2 power is given any number, we multiply these power. 2 multiply by 2, we get the answer 7 to the power of minus 4 divide 7 to the power of minus 4. ओके, अगेन हम लॉ ऑफ इंडेसेस जो है वो अप्लाई करेंगे. क्या था लॉ ऑफ इंडेसेस, अगर बेस सेम है, नंबर सेम है और उनकी पावर डिफरेंट है या सेम है जो भी है और वो डिवाइड हो रहे हैं तो उनकी पावर्स क्या हो जाती हैं, उनकी पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है. यानी माइनस 4 माइनस माइनस 4, यानी ये दोनों पावर्स जो है वो माइनस हो जाएगी. हमें पता है माइनस माइनस क्या हो जाता है, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस. यानी कि माइनस 4 में से हम 4 माइनस करेंगे, वी गेट द आंसर 0, यानी 7 टू द पावर ऑफ 0. और हमने पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं प्रीवियस
लेक्चर में कि अगर किसी भी नंबर की पावर जीरो होती है तो वो नंबर किस में चेंज हो जाता है, वन में, यानी उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, वन हो जाती है। लेट्स सी वन मोर एग्जांपल ऑफ क्वेश्चन नंबर फोर सी। ओके द क्वेश्चन इज गिवन टू टू द पावर ऑफ 15 एंड साइड द ब्रैकेट एंड आउटसाइड द ब्रैकेट इज पावर जीरो डिवाइड 3 अपॉन 5 आउटसाइड द ब्रैकेट इज पावर माइनस 1। ओके लेट्स अप्लाई द रूल ऑफ इंडेक्सेस व्हिच आई हैव एक्सप्लेन मेनी टाइम इन प्रीवियस क्वेश्चन और प्रीवियस एक्सरसाइज। व्हेन टू पावर्स आर गिवन वी मल्टीप्लाई दिस पावर 15, जब जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो पावर्स क्या हो जाएगी, जीरो, यानी टू टू द पावर ऑफ जीरो। ओके प्लस माइनस वन किसकी पावर है, माइनस वन थ्री की पावर भी है और फाइव की पावर भी है, थ्री टू द पावर ऑफ माइनस वन, फाइव टू द पावर ऑफ माइनस वन। ओके माइनस वन की पावर ब्रैकेट के बाहर है, मीन दोनों की पावर है। अब हम क्या करेंगे, अब हम जब तक क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते जब तक हम अपनी ये माइनस की जो हमारी पावर है उसको प्लस में चेंज ना कर दें। और उसके लिए यही है, जो न्यूमिनेटर है वो गेट मूव टू द डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर गेट मूव टू द न्यूमिनेटर और हमारे पास आंसर आ जाएगा 5.3। ओके आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई एक होल नंबर में भी गिवन है लेकिन दूसरा नंबर हमें फ्रैक्शन में है तो हम उसको प्लस या माइनस करने के लिए या तो एससीएम का रूल अप्लाई कर रहे होते हैं या हम ये करते हैं कि डिनोमिनेटर सेम कर देते हैं। या वन का डिनोमिनेटर कुछ नहीं है, मीन्स वन का डिनोमिनेटर वन है, वन के डिनोमिनेटर को थ्री में चेंज करने के लिए हम थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम डिनोमिनेटर को थ्री से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो लाजमी होता है हम न्यूमिनेटर को भी थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे और ये हो जाएगा थ्री वन ज़ा थ्री, थ्री वन ज़ा थ्री। जब डिनोमिनेटर दोनों सेम आ गए तो हम डिनोमिनेटर को वंस एक दफ़ा लिख लेंगे और थ्री प्लस फाइव आंसर एट, एट अपॉन थ्री ये भी आपका आंसर हो सकता है। और अगर हम इसको डिवाइड कर देंगे थ्री टू ज़ा सिक्स, टू जो है वो रिमेनिंग नंबर है बाकी बच गया है तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है, टू होल नंबर टू अपॉन थ्री। ओके स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर थ्री पार्ट बी एंड डी एंड क्वेश्चन नंबर फोर पार्ट बी एंड डी इज योर होमवर्क, डू इन योर नोटबुक एक्सरसाइज 4B।